चालीस सांसद ही छीन कर डरा नहीं सकते। मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, सवाल पूछता रहूंगा। मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे डिस्क्वालीफाई करके डराया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री अडानी पर मेरी अगली स्पीच से डर गए हैं, मैंने यह उनकी आंखों में देखा है। इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, मैं यह सवाल पूछता रहूंगा। मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अगर इनको गलत लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके डरा कर धमका कर जेल भेज कर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अगले भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करूंगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।